तैयार किए, जैसे कि अगर आपने रिंग को रिपेयर करना, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, यहाँ पर में खड़ी हुई रिंग के बारे में अगर जाके उसको रिपेयर करना या फिर स्पेस शटल के बारे में अगर उसमें कुछ खराब हो जाए, सब जानते हैं कि सुविधा मिले स्पेस शटल के माध्यम से एयर ऑपरेटिव स्पेस में नहीं होती, लेकिन स्पेस शटल में खराबी के कारण 2025 में सुविधा मिले उसको वापस लाना अमेरिका के लिए भी बहुत एक प्रश्न था। तो स्पेस शटल का निर्माण करने के बाद उसके बारे में जानकारी देने के लिए वर्चुअल रियलिटी नेक्स्ट लेवल ऑफ इनोवेशन है के माध्यम से सिमुलेशन के माध्यम से सबसे बेहतरीन काम आज के हमने भारत के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वो एआर और वीआर का कंटेंट था। तो वीआर का कंटेंट बनाना जैसे बहुत मुश्किल था, हम लगातार देखते हैं कि हमें बालों में जाने के पश्चात हम हेडगियर लेते हैं, ग्लासेस लेते हैं, लेकिन उसमें 2 या 3 मिनट का ही कंटेंट होता है। इसके लिए कंटेंट बनाने का भी जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आधुनिक जगत में और तकनीकी क्षेत्र में न बल्कि सिर्फ चाइना के आगे जाने का सपना हमारा सभी का है, लेकिन विश्व में जो अन्य देश बने हुए हैं स्पेक्ट्रम बना हुआ है और स्पेक्ट्रम के माध्यम से कल ही आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि आने वाले 2035 के लिए स्पेस स्टेशन पे काम करने वाला अगर कोई देश होगा भारत होगा। इसके लिए भारत के ये आधुनिक भारत के छात्र स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन काम करने वाला और यहाँ पर विविध क्षेत्र में काम करने वाले डेटा साइंस है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली बहुत सारी हमारी ही संस्था है, लेकिन आने वाले समय में स्पर्धा का युग बहुत बड़ा होगा। तो ये लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम में इंडिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बना रहा है। अब ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल को डेवलप करने की जिम्मेदारी और इसके लिए और ये लगातार 2035 में अगर स्पेस स्टेशन बनाने की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोची है, उसी कड़ी में हमने 2013 में रोबोटिक्स लाया, 2015 में हमने स्पेस के लिए काम करना शुरू किया, 2018 में पहले बार अपना सैटेलाइट बना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट जाके फिट किया और ऐसे माध्यम से जो रडार की टेक्निक है वो भी अथर्व ने डेवलप की है। आने वाले समय में जैसे स्पेस रडार सैटेलाइट ड्रोन्स सबमरीन ड्रोन्स इसके बारे में भी काम करने का एक लक्ष्य अथर्व रखता है और ये मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि अथर्व के आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले भारत की ताकत है ये निश्चित रूप से मेहनत करके विश्वास करके अथर्वों को एक बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएंगे। 25 साल मैंने तो अथर्वों के लिए दिन रात पसीना बहा के ये खड़ा किया और मेरा विश्वास है कि ये अपने आज के स्टूडेंट्स जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है निश्चित रूप से आने वाले 25 साल जब हम 50 वर्ष पूरा करेंगे तो देश में गेटवे ऑफ इंडिया जैसा हम कहते मुंबई में है जैसे गेटवे ऑफ एजुकेशन अगर कहा जाए तो मुंबई का अथर्व कॉलेज होगा। टैलेंट रहती है
जॉब बाहर निकाल सकते हो थ्रू वेरियस अदर एक्टिविटीज एंड सर के हेल्थ के कारण हेल्थ के हेल्प से हम स्टूडेंट्स के साथ हम क्रेडिट से कर पा रहे हैं। सर हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड अच्छा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीखा अपने वेरियस फैकल्टीज एंड अदर टीचर्स की मदद से अपने जो टैलेंट्स हैं जो आइडियाज़ हैं वो रियल लाइफ में ला सकें। उनका लाइव एग्जाम्पल है यहाँ के प्रोजेक्ट जॉब अभी देख सकते हैं। और पिछले साल हमारे आई ट्रिपल स्टूडेंट का चैप्टर क्रॉस आउट जीता था। फेस्ट से कितने और स्टूडेंट्स मिल पाए इसको देख पाए ऐसा कुछ नंबर्स है जो आप बताना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक श्री ऑनरेबल सुनील रानी सर फॉर प्रोवाइडिंग अस सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एज आई ट्रिपल सो दैट स्टूडेंट्स ऑफ एजीआई कैन शोकेस देयर टैलेंट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अदर कॉलेजेस दोज हु आर वेलकम इन आवर कैंपस। सो जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा अब बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे कांदिवली मलाड एंड अदर साइड जो कि हमेशा विजिट करते हैं कैंपस में और हमेशा कोई ना कोई यूनिक आइडियाज उनको यहाँ पे आके मिलते हैं वो इनोवेशन उनको दिखता है और उनके वजह से वो प्रेरित होते हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो वो वन स्टेप अहेड। सो अदरवाइज ऑलवेज अ लीडिंग कॉलेज विच ऑलवेज इंस्पायर्स अदर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च।